फ्रेंड्स, आज है 19 दिसंबर 2022 और फ्रेंड्स आज के दिन हमारा पूरा शहर जो है शहीद दिवस मनाता है। तो जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे शहर के तीनों अमर शहीदों की यहाँ प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई हैं। तो चलिए अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, फिर बताते हैं शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। आज 19 दिसंबर 2022 है और फ्रेंड्स आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को हमारे तीनों अमर शहीदों को फांसी दी गई थी। और फ्रेंड्स जैसे कि आज के दिन हमारा पूरा शहर शहीद दिवस मनाता है, तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रतिमा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की। और आज ही के दिन 19 दिसंबर 2027 को गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दी गई थी। और फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल जी के बाद यहाँ पे है प्रतिमा अशफाक उल्ला खान जी की। और फ्रेंड्स आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद की जेल में अशफाक उल्ला खान जी को फांसी की सजा दी गई थी। और उसके बाद हम चलते हैं, और फ्रेंड्स काकोरी कांड के तीसरे अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, इनको इलाहाबाद जेल में आज के दिन 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि 9 अगस्त 1925 को हमारे तीनों अमर शहीदों ने लखनऊ के पास काकोरी में अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना जो है लूटा था। तो उसी की वजह से जो है काकोरी कांड जो है काफ़ी मशहूर और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जिस वजह से हमारे तीनों अमर शहीद उनका बलिदान हो गया था। और आज के दिन 19 दिसंबर को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। जैसे कि भी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और फ्रेंड्स आज हम अपने चैनल के माध्यम से हम अपने खुद और आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर की तरफ से आज अपने हम सभी अमर शहीदों को, काकोरी के जितने भी अमर शहीद हैं सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं उनको। अब हम आए हैं अपने शहर शाहजहाँपुर के शहीद उद्यान में, और जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं आज यहाँ पे जो है काकोरी कांड बलिदान दिवस के यहाँ पे उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, मतलब आज तक चल रहे हैं। तो मतलब ये पूरा एक बलिदान दिवस जो है इस रूप में पूरा सप्ताह मनाया गया। और ऐसे तो हम शहीद पार्क ब्लॉग आपको कई बार दे चुके हैं, तो आज ये शहीद दिवस मतलब बलिदान दिवस के ये ब्लॉग हम आपको स्पेशल दे रहे हैं। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं। अभी हम शहीद पार्क के अंदर खड़े हुए हैं, और जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे शहीद स्तंभ बना हुआ है जो कि शहीदों की याद में यहाँ पे बनाया गया था। और फ्रेंड्स आज आपको शहीद दिवस के उपलक्ष में एक स्पेशल जानकारी देना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे भारत में शहीद दिवस जो है वो 7 अलग अलग तारीखों को भी मनाया जाता है। चलिए आपको वो बताते हैं वो 7 तारीखें कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो शहीद दिवस की तारीख है वो 30 जनवरी है। और फ्रेंड्स 30 जनवरी को हमारे जो महात्मा गांधी जी उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इसलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स दूसरी तारीख है 15 फरवरी। और फ्रेंड्स 15 फरवरी 1932 को बिहार के मुंगेर जिले में हमारे देश के 34 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए 15 फरवरी को बिहार सरकार जो है वो शहीद दिवस मनाती है। और फ्रेंड्स तीसरी तारीख है 23 मार्च। 23 मार्च 1932 को हमारे देश के शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, और इस दिन हम लोग 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स अगली शहीद तारीख जो है वो 17 जून है, और लगभग अभी से 1.5-2 साल पहले गलवान घाटी में हमारे देश के 40 शहीदों को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था, तो इस वजह से 17 जून को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगली तारीख है 21 अक्टूबर। और फ्रेंड्स 21 अक्टूबर को हमारे पूरे देश के जो पुलिस प्रशासन है वो पुलिस शहीद दिवस यानी कि या कह सकते हैं पुलिस स्मृति दिवस मनाती है। अगली शहीद तारीख है 24 नवंबर। और फ्रेंड 24 नवंबर 1674 को गुरु तेज बहादुर जी को
औरंगजेब द्वारा उनको मृत्यु दंड दिया गया था, इसलिए 24 नवंबर को पंजाबी समाज द्वारा और हमारा पूरा देश में वो शहीद दिवस मनाता है। और फ्रेंड्स उसके बाद आता है 19 दिसंबर, और जैसे कि आज के दिन 19 दिसंबर 1927 को हमारे काकोरी कांड के महानायक जो है उनको उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं का ही बलिदान दिवस होता है। भी आप देख सकते हैं कि अभी हम शहीद पार्क में यहाँ पीछे जो ऑडिटोरियम बना है वहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे देखिए जो स्टेज जो है काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है। और आज फ्रेंड्स यहाँ पे काकोरी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और फ्रेंड्स आज यहाँ पे मंथन आर्ट्स द्वारा यहाँ पे काकोरी प्रणाम एक जो नाटक है उसको यहाँ पे मंचन किया जाएगा, जिसका हम आपको ब्लॉग ऑलरेडी अपने चैनल पहले दे चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा स्टेज जो है यहाँ पे सज चुका है, और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट लोग जितने भी कलाकार लोग हैं वो लोग इतनी तैयारियों में लग चुके हैं। तो फ्रेंड चलिए अभी आपको मिलवाते हैं, जो पूरा ग्रुप है महिलाओं का इनके जो सचिव हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ के इस प्रोडक्ट के बारे में। तो मैम सबसे पहले वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। मैं मधु श्रीवास्तव स्वयं सेवा समूह गोपी श्री मसाले की तरफ से मैं सचिव पद पे हूँ, और ये हमारे प्रोडक्ट जो हैं बहुत ही नंबर वन के हैं मार्केट में, बिल्कुल नंबर वन चल रहे हैं। तो मेरा एक संदेश है उन महिलाओं के लिए जो घर बैठी रहती हैं और कुछ करने की कोशिश करती हैं और कर नहीं पाती हैं, अगर वो चाहें तो अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के होममेड चीज़ें बना के आप ये गोपी श्री का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है इस पे आप संपर्क कर सकती हैं और हमारे समूह से जुड़ सकती हैं। जो भी अगर बनाकर कोई भी गृह उद्योग जिस तरीके से चलते हैं उस टाइप की चीज़ें आप पापड़ अचार और कैंडी वगैरह बना करके हमारे समूह से जुड़कर लाभ उठा सकती हैं, आपके आपको उससे थोड़ा सा काम भी मिलेगा और आपका नाम भी कमा सकती हैं। तो जैसे कि अभी आपको आपने देखा मैम ने बताया कि यहाँ पे जितनी भी अगर कोई महिलाएं जो है वो कुछ रोजगार करना चाहती हैं घर बैठे एक अपना इनकम करना चाहती हैं तो इन महिलाओं से जुड़ सकती हैं, गोपी श्री मसाले जो ब्रांड है इससे जुड़ सकती है, नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई दिया है। तो और यहाँ पे जो मसाले हैं जो लेने बेचारे खरीदने चाहे तो आप लोग परचेज भी करिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट है और प्लीज़ जरूर ट्राई जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, और यहाँ पे शिक्षा का महत्व जो है यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे अलग अलग पोस्टर्स वगैरह यहाँ पे सब लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स अभी हमको यहाँ पे कुछ यहाँ पे बच्चे दिखे हैं जो कि काकोरी कांड के जो महानायक हैं उनका यहाँ पे उन्होंने एक गेटअप लिया हुआ है, चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे पूछते हैं। यहाँ पे बच्चे जो स्काउट गाइड के हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा आपका क्या नाम है? अनुभव। अच्छा आपने कौन सा करेक्टर करा? अशफाकुल्ला। तो कौन से स्कूल से हो? अपर रोडी गोदाम। अच्छा तो यहाँ पे देख सकते हैं उनकी तस्वीरें पीछे लग गई है, तो बच्चे उन्हीं तस्वीर के आगे खड़े हैं। तो बेटा आपका क्या नाम है? आकाश शर्मा। कौन से स्कूल से हो? कंपोजिट विद्यालय अपर रोडी गोदाम। अच्छा आपने कौन सा रूप गेटअप किया? ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह, जैसे कि भी आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अशफाकुल्ला खान। यहाँ पे जैसे कि भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग शाहजहांपुर द्वारा यहाँ पे एक और स्टॉल लगाया गया है, जिसमें यहाँ पे मछली पालन का यहाँ पे देखिए
बताया गया है कैसे यहाँ पे मछली पालन हो सकता है। यहाँ पे देखिए उसके पोस्टर के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है पूरा। यहाँ पे मछलियों के नाम भी दे रखे हैं, जैसे रोहू फिश है, सिल्वर कॉप फिश है, यहाँ पे सब बताया गया है कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं, किस किस प्रजाति की होती हैं। और यहाँ पे वो देख सकते हैं कि कहाँ पे मछली पालन होते हैं, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हमको पार्क पे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले, चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे और उनसे रिव्यू लेते हैं अपने चैनल का। तो वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल पे, मुझे तो नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद निहाल है, मैं इनकी सारी वीडियो देखता हूँ, ब्लॉग व्लॉग। भैया आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं? ब्लॉग आपके अच्छे लगते हैं, बढ़िया बनाती हूँ ब्लॉग आप। तो मेरे सब्सक्राइबर से कह दीजिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर दीदी के बढ़ा दीजिए, बढ़वा दीजिए। थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। सब हमेशा करते हैं वो आज यहाँ पर होने जा रहा है। लीजिए प्रस्तुत है आपके समक्ष प्रणाम काकोरी। एक ही रास्ता है, महाक्रांति का रास्ता, विप्लव का मार्ग। देशवासियों के हृदय में जो राष्ट्रवाद की ज्वाला खड़क रही है, बरतानिया हुकूमत की तरफ भी छूट रही है। वे अपने सिंहासन के नीचे एक बहुत ही कठिन परीक्षा की। हमारा रास्ता साफ है, शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देने के लिए समुचित साधन होने चाहिए और अपने पवित्र उद्देश्य के लिए देशद्रोही और धनिकों को लूटने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं आजाद जी की बातों से पूर्णतया सहमत हूँ, लेकिन पंडित जी के तो लिए स्थान बदलना उचित होगा। पंडित जी उनकी यहाँ पर पहली निगाह है, अब पुलिस इंतजार में काम करता था, अब चल का नेचा बन गया। इम्पोर्टेंट खबर है। ओके चल, पहली खबर है नवादा लालजिला साहब ठाकुर अब किधर गया? अब मुझे राम प्रसाद जी के ग्रुप में मिल गया। शाहजहांपुर का राम प्रसाद बेस्ट है, अष्टाकुल्ला। और क्या नाम बोला? ठाकुर के रोशन सिंह व्यास, ठाकुर रोशन सिंह। सारा खटा था रिवॉल्यूशनरी शाहजहांपुर में पैदा होता है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये शहीद दिवस का व्लॉग? उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा।